विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने साथियों के साथ नामांकन दाखिल की शुरुआत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल देखा जा रहा है। इसी के कारण देखा गया है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके चलते सब अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। देखते ही देखते लोगों का हुजूम भी उमड़ रहा है। देखा जा रहा है कि जो चुनाव है वो लगातार चल रहा है, लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। और इसी में रीवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा ने कलेक्टर कार्यालय रीवा में अपने सैकड़ों साथियों के साथ नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद राजेंद्र शर्मा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा पर भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी समस्याओं को आरोप लगाया है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने लोकतंत्र की हत्या की, खरीद फरोख्त के जरिए जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाई है, और जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है वो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। 50% कमीशन की सरकार और धन बल के बल पर भ्रष्टाचार के जरिए बनाई गई सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नौजवान परेशान है, बेरोजगारी की मार से त्रस्त है, भर्ती में घोटाले होते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के एडमिशन्स हो और चाहे परीक्षा की बात हो, यहाँ का आदिवासी परेशान है, मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है इस समय।